नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने खेले करें सीखे इस पुस्तक से कार्य अनुभव का पेज नंबर 33 निकालेंगे, पेज नंबर 33 निकाल लेंगे। इस पेज पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि कुछ क्षेत्र हैं जो हमें पहचानने हैं। तो बच्चों, ये आपके आसपास का ही क्षेत्र है। हमारे आसपास आप देख सकते हैं कि हम जब अपने आसपास के परिसर में घूमते हैं तब हमें क्या क्या दिखाई पड़ता है। तो आप जब जाते हैं बाहर तो आपको काफ़ी लोग आते जाते घूमते हुए दिखाई देते हैं, मतलब काम से ही जाते हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भीड़ भाड़ दिखाई पड़ती है। और अधिक भीड़ भाड़ हमें कहाँ दिखाई पड़ती है? मार्केट में, जहाँ पे बाज़ार लगा होता है, सब्जियों का बाज़ार होता है। तो कुछ इस तरह का यह चित्र हमें दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर कई दुकानें हैं, सब्जियों की दुकानें हैं, फलों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, जहाँ पर ये सब सामान मिल रहा है। ठीक है, तो लोग आजकल गर्दी कहाँ होती है, भीड़ कहाँ होती है? भीड़ जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें अधिक भीड़ दिखाई पड़ती है। तो इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि कितनी गर्दी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो यह सब्जी का मार्केट है बच्चों। तो यह सब्जी मंडी में हमें कौन कौन सी सब्जियाँ मिलती हैं, आप अपने परिसर में जाकर देखिए और मुझे बताइए कि आप लोग ने क्या क्या देखा वहाँ पर, कौन कौन सी सब्जियाँ मिल रही हैं, लोग क्या अधिक खरीद रहे हैं। आपको पता है ना सब्जियाँ आप लोगों को कौन सी पसंद है? आलू, तो सबसे ज़्यादा आलू देख रहे हैं, सबसे पहली ही सब्जी हमें दिखाई पड़ रही है। आलू रहता है, प्याज रहता है, सब्जियों के नाम आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारे परिसर में हमें बैंक देखने को मिलते हैं। ठीक है, बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, किराना दुकान, किराना दुकान मीन्स जहाँ पर हम अनाज खरीदते हैं, अनाज रहता है, और भी कई प्रकार की खाने की वस्तुएँ हमें मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमारे परिसर में ये सब जो दुकानें दिखाई पड़ रही हैं ना, तो ये हमें अपने परिसर में घूमने से पता चलती है। तो यहाँ पे बैंक में क्या होता है बच्चों? बैंक किस लिए होता है? बैंक में लोग पैसे जमा करते हैं अथवा निकालते भी हैं, जमा हुए पैसों को निकालते भी हैं। तो बैंक जो है सबसे सेफ जगह है, जहाँ पर हम अपने पैसों को रख सकते हैं और उनका उचित उपयोग भी कर सकते हैं। तो आजकल लोग पैसे कहाँ पर रखते हैं? बैंकों में, न कि किसी प्रकार के, बड़े लोग, बच्चे लोग तो आज भी गुल्लक बनाया जाता है और वे अपने पैसे गुल्लक में जमा करते हैं, पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो उन पैसों को बैंक में जमा किया जाता है। आप अपने माता पिता के साथ भी जाकर उनके साथ बैंक का निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है, पैसे जमा होते हैं, पैसे निकाले जाते हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है लोग पैसों को निकालते भी हैं। हाँ, तो इस तरह से बैंक का व्यवहार होता है। ठीक, जब हम किसी तकलीफ़ में होते हैं, बीमार होते हैं, तो उसका इलाज करने के लिए हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो हम डॉक्टर हमारा क्या करता है? इलाज करता है, हमारी बीमारी का निराकरण करता है। तो उसी तरह यहाँ पर मरीजों के लिए अस्पताल बनवाया जाता है, तो अस्पताल भी रहते हैं हमारे आसपास के परिसर में। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अस्पताल रहता ही है, आप लोग ने देखा ही होगा। आप जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि अधिक बीमार होते हैं तो बड़ी हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर आपको वहीं रुकना पड़ता है। तो ये हॉस्पिटल है, ठीक है, अस्पताल है, जहाँ पर हमारा इलाज होता है। हमारा इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है। ठीक है, फिर हमें खाने पीने की वस्तुएं हम कहाँ से लेते हैं? किराना दुकान से। किराना दुकान पे हमें चावल, गेहूँ, शक्कर, अनेक प्रकार के राशन से संबंधित दाल जो भी है हमें सब, यहाँ पे कई प्रकार के मसाले, ये सब हमें किराना दुकान से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर सब्जी मंडी, दुकान, विद्यालय, हमारे आसपास में विद्यालय भी होते हैं। हाँ, विद्यालय जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं, अभी आजकल तो विद्यालय बंद हैं, पर आप लोग जाते हैं कि नहीं? पढ़ने के लिए विद्यालय में हमें जाना पड़ता है। तो विद्यालय, अस्पताल, तो इस तरह से आप अपने आसपास के परिसर का निरीक्षण करें, अपना अनुभव मुझे बताएं। तो बच्चों, इस तरह हमारे आसपास में कई क्षेत्र हैं जिनके वजह से हम उस सुख सुविधा का भोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग ने हमारा ये क्षेत्र पहचान
यह पाठ पूरा किया है। अब हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।